दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन बहुत सारी फिल्में रिलीज होती हैं और पता भी नहीं चलता है, लेकिन कुछ ऐसी खास फिल्में होती है जो कि अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है और उसके बारे में बात होती है। और आज बात करने का नंबर है खेसारी लाल यादव का एक फिल्म के ट्रेलर के बारे में जिसका नाम है डोली सजा के रखना। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस फिल्म में क्या अच्छाई होने वाली है और क्या इसमें बुराई है और इसमें मेरी क्या राय है, इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। क्या कमाल की एक्टिंग आम्रपाली दुबे और खेसारी लाल यादव ने किया है। सभी लोगों ने जितने भी छोटे बड़े कलाकार थे एकदम फंटास्टिक एक्टिंग करते हैं और कुछ भी इसमें फेक ना लगता है और भी टिपिकल भोजपुरी फिल्म की तरह। दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के एक्शन और सिनेमैटिक सीन के बारे में। दोस्तों बात करें अगर सिनेमैटिक सीन की तो मतलब लिटरली बता रहे हैं इसके जो भी सिनेमैटिक टीम थे वो वाकई बहुत ही कमाल का काम किए हैं और जिस तरीके से इस फिल्म को शूट किया गया है वाकई बड़े बड़े फिल्मों को ये टक्कर देने वाली शूटिंग है, मतलब एकदम झकास एकदम कमाल। और बात करें अगर एक्शन के बारे में तो क्या जबरदस्त और असल एक्शन लग रहा है। आपने देखा होगा ना और सारी फिल्में जो भोजपुरी की टिपिकल फिल्म होती है औकात रहता नहीं है और ऐसी ऐसी एक्शन करने की फेक कोशिश करते हैं जिससे फिल्में बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। भले ही इस फिल्म में बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं है लेकिन जितना भी एक्शन है वो रियल लगता है और ऐसा नहीं लगता है कि इसको जबरदस्ती कराया गया है या फिर ग्रीन स्क्रीन से ये पीछे वाला पर्दा हटा के और यहीं पे कार उड़ा दी है और इस तरीके का कुछ जो है वो एक्शन सीन नहीं है। एक्शन सीन भी बड़ा कमाल का है भाई साहब। जहां आपके कॉमेडी किंग खेसारी लाल यादव रहे उस फिल्म में अगर कॉमेडी हो वो कैसे अच्छा नहीं लगेगा। हम आपको बता दें खेसारी लाल यादव की इस फिल्म में जितना ट्रेलर से मालूम पड़ता है कॉमेडी भी बड़ा तगड़ा है। नाचतर कि जो तल खेत है गावतर। और अगर खेसारी लाल यादव कॉमेडी कर रहे हैं मतलब उनको 10 में से 10 नंबर तो दिया ही जाना चाहिए। और खेसारी के कॉमेडी का क्या ही कहना, हर फिल्म में बहुत अच्छा करते हैं, इस फिल्म में और उनका कॉमेडी निखर के आ रहा है जो कि फिल्म में और चार चांद लगा देता है। अब आइए जरा बात करते हैं कि यहाँ पे सुपरस्टार डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने गलती क्या की और कमी क्या कर दिया इस फिल्म में। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी लिखने वाले ने इतना कमाल का स्टोरी लिखा है कि उसको जो है ना एक इनाम देना चाहिए। और पता है इनाम क्या देना चाहिए, वही इनाम जो शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद उसके वर्करों को दिया था, वही इनाम इस स्टोरी लिखने वाले को भी देना चाहिए। ये इनाम मिलने के बाद ना ऐसा स्टोरी लिख ही नहीं पाएगा, कितना बार लिखोगे भाई एक तरह का स्टोरी यार। दोस्तों सेकेंड और सबसे गलत चीज इस फिल्म में हमको ये लगा, एक्ट्रेस सिलेक्शन। आम्रपाली दुबे का हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत टैलेंटेड कलाकार हैं वो, लेकिन जरा ये सीन को देख के देखिए आपको लगता है कि इनके बॉडी स्ट्रक्चर इनके उम्र के हिसाब से इनको हीरोइन का रोल मिलना चाहिए, फिर इनको रोल देना चाहिए फिल्म में भाभी का रोल जिनके दो चार बच्चे हों, ये थोड़ा सा भी शोभा दे रहा है इसमें। इनफैक्ट इस फोटो को देखो, इसमें तो हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत इस साइड वाली लड़की लग रही है। मानते हैं हीरोइन बनने का मन है, पैसे कमाने का शौक है, नाम भी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से मेहनत भी करना चाहिए। शिल्पा शेट्टी को देखो, इनकी उम्र जो है ना वो इतना ज़्यादा उम्र है और इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, डाइट जिम मेहनत से ये अपने बॉडी को एकदम फिट रखें एकदम हीरोइन बनने के लायक। लेकिन हमारी आम्रपाली दुबे को देखिए, 35 साल की है मात्र और इनका ये रूप रंग रेखा देखिए। दोस्तों यहाँ पे हम बेस्ट एग्जांपल लेना चाहेंगे कल्याणी सिंह का, जो कि हाल फिलहाल में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं और इनके गाने को इनके एक्टिंग को देखा जाए तो ये वाकई बहुत ही कमाल का एक्टिंग करती हैं। ऐसे ही भोजपुरी के और कलाकारों को जो नई हीरोइन है, नए हीरो हैं, नए बच्चे हैं, उनको मौका देना चाहिए। जैसे इस फिल्म में ही खेसारी लाल यादव ने अखिलेश कुमार को दिया है मौका, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, वैसे ही नई नई हीरोइन को भी मौका देना चाहिए। कितने दिन तक रोल में नहीं फिट बैठने वाले हीरोइन को भी घींच घींच के आगे तक लेके जाइएगा। दोस्तों यहां पे मेरी राय में यह फिल्म इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है कि आप इसमें पैसे खर्च करके अपना 3 घंटा वेस्ट करके जाके हॉल में यह फिल्म देखो, क्योंकि इसकी स्टोरी ही अच्छी नहीं है और ना ही इसमें एक्ट्रेस सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है। अगर स्टोरी अच्छा होता तो आप बिल्कुल जाके हॉल में देखते हैं, मजा आ जाता। लेकिन आए दिन हर दूसरा फिल्म भोजपुरी में इसी तरीके के स्टोरी पे बेस है, तो आप कोई सा भी फिल्म देख लो, डोली सजा के रखना, आपको हॉल में जाके इतना दिन इंतजार करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इस फिल्म को देखा जाए तो सुधार तो बहुत है, लेकिन स्टोरी पे भी और एक्ट्रेस सिलेक्शन पे भी और अच्छा से काम किया जा सकता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।